तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी इस विजुलाइजेशंस में। हमने लास्ट क्लास में आपके साथ बात किया था स्टैक बार चार्ट के बारे में और कॉलम चार्ट और सेम कर्सर कॉलम चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट, इस सारे कॉलम चार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट सर? हम बात करेंगे लाइन चार्ट के ऊपर, लाइन एरिया, इसके बाद स्टैक एरिया और बाकी जो कॉम्बो चार्ट है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एक डेटा कलेक्ट करते हैं। तो हम लोकेशंस में गए और एक डेटा को सिलेक्ट किया, ओपन किया। डेटा यहां पे हमने डेटा पे क्लिक किया और इसको लोड कर दिया। बस कुछ ही देर में मेरा डेटा लोड हो जाएगा। अब जानते हैं लाइन चार्ट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। देखिए, जब हमें किसी का फ्लो देखना होता है उस केस पे हम लाइन चार्ट का यूज करते हैं। जी हाँ, किसी का फ्लो देखना होता है, जैसे डेट वाइज है। जैसे मैंने इसको लिया और हमने, आप देखिए यहाँ पे डेट फीचर, डेट को यहाँ रखा और इसमें हमने क्वांटिटी को रखा, तो इस डेट काफी ज्यादा है, क्वांटिटी को हमने वैल्यू में रखा, ये लाइन को नहीं बनाया। हाँ, लाइन सॉरी ऊपर है ना 90 का, क्योंकि सब एक ही है ना, सेम सीक्वेंस में है, डेट एक ही डेट का है, 90 के आसपास का है। इस तरह से लाइन चार्ट के फ्लो के लिए इस्तेमाल की जाती है। और मान लीजिए मैंने इसको कर दिया सेल्स मोड के हिसाब से, कि एक्सिस में हम सेल्स मोड को रख दिए। देखिए, दिख रहा है सर, यहाँ पे टोटलिंग आ गई है। तो फ्लो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम लाइन में एरिया को यूज करें तो एरिया का काम क्या है, जस्ट एरिया चार्ट और लाइन चार्ट में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। डिफरेंस यही दिखेगा कि जैसे कि सिर्फ लाइन गया हुआ है, यहाँ का एरिया व्हाइट है, बट जब आप लाइन चार्ट को लेते हैं तो इस एरिया को कवर्ड कर लेता है, कलर कर देता है। ओके सर, अब यहाँ पे एक आता है स्टैक एरिया चार्ट। ये यूज होता है जब आपके पास दो एजेंट हो, जैसे कि मैंने इसमें प्रोडक्ट और नेम को सेल्स मोड में डाल दिया। ठीक है, तो जितना लेजेंड है उतने हिसाब से इसका है। लेजेंड को अगर मैं वापस एक्सेस में डालूं तो कोई फर्क नहीं पड़ वाला, लेजेंड में डाल दिया हमने जितने। अब लाइन पे क्लिक करता हूं तो लाइन जो है जितने हैं नेम उतने लाइन क्रिएट कर जाता है। तो नेम तो ज्यादा है तो नेम को हटा के मैं एक काम करता हूँ, साइट को रखता हूँ। तो साइट को मैंने यहां पे रखा और फिर इसको हम एरिया चार्ट को देते हैं यहां पे। उसके बाद अगर हम इसको ये लेते हैं, कॉम्बो चार्ट लेते हैं, तो कॉम्बो चार्ट में एक नहीं दो यूज किया जाता है। तो मैंने कॉलम सीरीज के लिए हमने साइट को रख रखा है। एक मिनट, सेल्स मोड को हमने, इसको सेल्स साइट को हटाता हूँ और यहाँ पे हमने अपनी क्वांटिटी की जगह पे टोटल कॉल्स को लिया और हमने इसको लाइन में रख दिया। तो कॉल्स का देखिए लाइन बन गया। यहाँ पे आपको दो चीजें होती है कि ये आपका एक्सिस होता है, ठीक है ना, ये आपका एक्सिस होता है, शेयर एक्सिस होता है, ये होता है कॉलम सीरीज, और यहाँ पे आपको आता है कॉलम वैल्यूज और यहाँ पे आता है आपका लाइन वैल्यूज।
लाइन पे रखेंगे तो उसका लाइन क्रिएट होगा, और कॉलम पे रखेंगे तो उसका कॉलम क्रिएट होगा, जी समझ गए। अब इसमें मैंने क्या किया, साइट को उठाया और मैंने कॉलम सीरीज पे रख दिया, तो क्या हुआ कि जहां जहां काम कॉलम था वहां का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि एफलेटेड में और डायरेक्ट में हमारा साइट का जरूरत है, इसलिए यहाँ पे आपका अलग अलग कलर कर दिया, इसको दो कलर कर दिया इसने, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके। मैं यहां से इसको हटा देता हूँ तो सब एक कलर हो जाए। उसके बाद यहां अगर हम आते हैं लाइन कर्सर और कॉलम चार, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क कब पड़ेगा, जब हम इसमें दो चीज रखेंगे, जैसे कि हमने वापस साइट को उठाया और कॉलम सीरीज में रख दिया, तो अलग अलग हो गया, दिख रहा है आपको सजा। उसमें क्या था कि एक ही जगह ऊपर नीचे कर दिया था, बट यहाँ पे अलग अलग हो गया। या फिर हम टोटल कॉल्स को उठा के हम यहाँ रखते हैं तो इस तरह से बन जाएगा, ये होता है कर्सर कॉलम चार्ट। और सेम आपका ये रेविन चार्ट होता है, रिबन की तरह बनता है। लेजेंड पे साइड नहीं डालता हूँ, इसमें नेम डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको क्या करता हूँ, सेल्स मोड को हटा देता हूँ, तो इस तरह से बन रहा है। तो कॉलन और दोनों को एक साथ करेंगे तो रिबन चार्ट बन जाता है। मैं नेम को, नेम थोड़ा सा हुआ, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को इस पे रखता हूँ। ओके, इसके भी अपने अपनी फॉर्मेट है, अगर आप इसकी फॉर्मेट पार्ट पे जाओ तो जैसे उसका फॉर्मेट किए थे वो सारा फॉर्मेट है यहाँ पे दिखेगा। इसमें रिबन्स, रिबन्स के क्या सेंसिंग है, कितना ट्रांसपेरेंसी है, सब यहाँ पे कम और ज्यादा कर सकते हैं। सीरीज कलर चाहिए या नहीं चाहिए, दिख रहा है सर जी इस तरह से। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इस चार्ट को डिलीट करते हैं तो एक आता है हमारे पास वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट कभी यूज किया आपने सर? नहीं, मैंने नहीं किया है सर। मैंने नेम को रख दिया कैटेगरी में, कैटेगरी इसको बैकग्राउंड रखता हूं, कैटेगरी सही रहेगा। और हमने अपनी जो क्वांटिटी है उसको उठाया और इसको वैल्यू में रख दिया। तो ये क्या करता है कि पहले टोटल ले लेता है, ठीक है ना, जी और बाद जो है जैसे कि देखिए टोटल कितना है, टोटल है 198 है ना सर, जी नहीं, 959। 20, ये आपका 20 है, फिर 21 है, फिर आपका 21 500, जैसे बढ़ रहा है, बढ़ते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, समझे। सबसे ज्यादा जी है, ना को अब मान लीजिए मैं प्रोडक्ट को उठाता हूं और उसके बैकग्राउंड में डाल देता हूं, तब तो क्या होगा, तो हर यहाँ पे हर किसी का अलग अलग चार्ट दिखेगा आपको। इस टोटल आ गया टीना का टोटल, और यहाँ पे उसके प्रोडक्ट के क्या है उस हिसाब से बढ़ते हुए यहाँ पे, यहाँ पे जैसे कि आपका टीना का टोटल आ गया और फिर इसकी यहाँ प्रोडक्ट हो गया, फिर ऐसे ही आपका यहाँ पे पूजा का टोटल आ गया और प्रोडक्ट हो गया। तो एक काम करता हूँ, मैं प्रोडक्ट को हटा के साइट को रखता हूँ, तो इसको दो बनेगा तो आपको सही समझ में आएगा। तो हर नेम का यहाँ पे अलग अलग है, और मैं साइट को रख दू ऊपर, और इसमें दो रखने से कोई फायदा नहीं है, बनेगा एक पे ही। ये देखिए आईपीटी इंडिया, और फिर इसको फॉलो, और फिर यहाँ पे सुजीत, सुजीत कुमार का एक ही है इसलिए यहाँ पे एक ही दिख रहा है। जी तो इस तरह के आप वाटरफॉल चार्ट बना सकते हैं। वाटरफॉल चार्ट के बाद अगला चार्ट जो आता है ये आता है आपका फुनल चार्ट। जी
सिंगल चार्ट में जैसे कि मैंने नेम को उठाया और ग्रुप यहाँ डाल दिया ग्रुप में, और हमने मान लीजिए क्वांटिटी को वैल्यूज में डाल दिया, तो इससे क्या होगा कि सबसे जो हाईएस्ट होगा वो ऊपर में आएगा इस तरह से, यहाँ पे इसके एक्सिस बन गया सर। जी अब मैं एक काम और कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ हमने क्या किया इसके डेटा लेवल्स है, डेटा लेवल में आते हैं, यहाँ पे डेटा वैल्यू है, यहाँ पे परसेंटेज फर्स्ट परसेंटेज प्रीवियस दिख रहा है आपको, परसेंटेज फर्स्ट डेटा वैल्यू परसेंटेज प्रीवियस सब कुछ शो कर सकते हैं, कलर वगैरह फिर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसका ऑटो कर सकते हैं, इनसाइड पोजीशंस वगैरह अपने हिसाब से हटा सकते हैं, टाइटल वगैरह डाल सकते हैं, तो बाकी वही फॉर्मेटिंग है जो आपने किया है। इसमें यहाँ पे एक जब फुनल चार्ट ऐड करते हैं तो यहाँ पे एक क्वालिटी एनालिसिस कहा जाता है, मिनिमम क्वांटिटी आप यहाँ पे करें, ये खुल के नया आ गया आ गया, तो इसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके सर जी, और यहाँ पे आता है स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट का यूज जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ प्रोडक्ट ले लिया, सॉरी इसमें मैं स्कैटर चार्ट लेता हूँ और ये बबल्स की तरह काम करता है, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए मुझे सिटी वाइज या स्टेट वाइज, या सिटी भी होगा, सिटी वाइज हमने सिटी को रखा लेजेंड में और क्वांटिटी को हमने रख दिया साइज में, साइज में नहीं होता है वैल्यू एक्सिस वाई एक्सिस या इसमें एक्स वाई चाहिए, और हमने प्रोडक्ट को रख दिया लेजेंड। इसी वाट और साइज भी जो है क्वांटिटी को उठाया और एक बार और इसको साइज में रख दिया, तो उसी हिसाब से साइज बड़ा बड़ा होते जाता है, ठीक जी, जी, जी। सबसे ज्यादा वैल्यू उसको बड़ा। हालांकि इसका यूज हम लोग अलग चीज में करते हैं, बट इसका उतना यूज यहाँ पे नहीं होता है। अब अगला पार्ट जो आता है वो आता है हमारा यहाँ पे पाई चार्ट। पाई चार्ट का यूज होता है शेयरिंग में, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें एक ही के अकॉर्डिंग से नेम बाय अगर मैंने क्वांटिटी की शेयरिंग निकालना चाहे तो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पे शेयरिंग आएगा। अब इसमें दो फिगर नहीं रख सकते सर, ऐसा नहीं एक्सेल में भी ऐसा होता था, जैसे मैं इस पे मैंने क्या किया प्रोडक्ट को लिया और लेजेंड में रख दिया, तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अगर मैं डिटेल में रखूँ तो क्या होगा, डिटेल में रखने पर यहाँ पे बायफरकेट कर देगा ये। जी तो उसने क्या, इसने क्या किया कि एक ही पार्ट को इसमें एक कई पार्ट कर दिए, जी जी तो दो पार्ट हो गए, एक पार्ट के नेम वाइज हो गया जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, कलर नेम वाइज है, और इस नेम के भी इसने प्रोडक्ट वाइज पार्ट कर दिए, ठीक है जी जी। उसको सिलेक्ट कर दे। इसके बाद डेनोट चार्ट जो होता है जस्ट लाइक पाई चार्ट होता है, बट इसमें अगर जैसे मान लीजिए कि मैंने प्रोडक्ट यहां रखा और मैंने क्वांटिटी को रखा वैल्यू में, तो पाई चार्ट की तरह बनाता है लेकिन डोनट के शेप में बनाता है। जी जी जैसे मैंने नेम को लिया और प्रोडक्ट के नीचे रख दिया, तो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसको डिटेल में अगर आप रखते हैं
तो फिर इसके वजह से एमसी तरह पार्ट कर जाता है। बट एक्सेल में करेंगे तो क्या होगा, तो दो साइज यहाँ पे नीचे भी एक डोनट बन जाता है। अगर इसी में ट्री मैप पे आते हैं तो ये ट्री मैप जो है एक एरिया कंट्रीब्यूशन की तरह, जैसे प्लॉटिंग नहीं होता है उस तरह से, ठीक है सर। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगली क्लास में हम आपको मैप चार्ट के बारे में बताएं। मैप चार्ट और बाकी जो एक दो चार्ट स्लाइड वगैरह है, ये खास नहीं है, अब कुछ ही बचा हुआ है, तीन चार बचा हुआ है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। फिर हम कुछ डैशबोर्ड बनाएंगे, उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ओके।